लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स बबाता के मास्टर का स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए बबाता ने मैक्स को कई सारे ट्रेजर दिए थे जिसमें एक स्पेस रिंग, रबिंग क्लाउड रटन, 289 वुड क्रिस्टल और रेड कॉपर मेटल था। जिसके बाद बबाता मैक्स के हाथों में लगे डिवाइस के अंदर चली गई थी, क्योंकि उस डिवाइस के कोर में भी स्पेसशिप के जैसी एनर्जी सोर्स मौजूद थी जिससे बबाता जिंदा रह सकती थी। फिर मैक्स ने बबाता के बताए प्रोसेस को फॉलो करके रबिंग क्लाउड रटन को अपनी बॉडी के साथ कंबाइन कर लिया था। फिर वो दोनों जिजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर में आ गए थे, जहां बबाता ने मैक्स को कहा था कि हमें जल्द से जल्द स्पेसशिप के मलबे को ढूंढकर अपने लिए एक स्पेसशिप बनानी होगी, जिस पर मैक्स ने उसे बताया था कि ज्यादातर स्पेसशिप के मलबे तो एंशिएंट रुइंस में थे जिसे बड़े बड़े कंट्रीज लेकर चली गई। और वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते मास्टर होंग के रूम की तरफ जा रहे थे। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम मैक्स को देखते हैं जो कि मास्टर होंग के पास आकर उनसे कहता है कि मैं वुड क्रिस्टल के बदले ट्रेजर एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर मास्टर होंग उसे बैठने को कहते हैं और मैक्स के सामने ट्रेजर की लिस्ट ओपन कर देते हैं, तो मैक्स उस लिस्ट में से कोई अच्छा सा ट्रेजर ढूंढने लगता है। वहीं बबाता भी लिस्ट डिवाइस में बैठकर उन सभी ट्रेजर्स के नाम देख रही थी। तभी वो निराश होकर कहने लगती है कि इन ट्रेजर में से तो एक भी स्पेसशिप का मलबा नहीं है। उसी वक्त बबाता की नज़र ग्रेविटी स्पेस नाम के ट्रेजर पर जाती है और वो मैक्स को कहने लगती है कि इसे तुम एक्सचेंज कर लो क्योंकि ये ट्रेजर हमारे काम आ सकता है। ये सुनकर मैक्स कहने लगता है कि ये ट्रेजर तो वैसे ही है जैसा मैंने इलाइट कैंप में देखा था, जिससे स्टूडेंट्स की कल्टीवेशन स्पीड 120 गुना बढ़ जाती थी, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो ग्रेविटेशनल चैम्बर एक ही है, पर यहाँ तो एक और है। अब मैक्स मास्टर होंग से कहता है कि मास्टर मुझे ग्रेविटी स्पेस चाहिए, तो मास्टर होंग इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद मैक्स ड्रैगन ब्लड की दो बॉटल्स, 2 साल पुरानी ब्लैक एबेनी रूट्स और 7 स्पिरिट प्लांट्स भी खरीद लेता है, पर ये देखकर बबाता अपना सर पकड़ लेती है क्योंकि मैक्स फालतू की चीजें बाय कर रहा था जो कि उसके काम बिल्कुल भी नहीं आने वाली थी। इस तरफ मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि इन सभी ट्रेजर्स के 110 स्टार्स होते हैं, जिन्हें अगर वुड क्रिस्टल में गिना जाए तो ये 5.5 वुड क्रिस्टल बनते हैं, लेकिन तुम्हारा 0.5 वुड क्रिस्टल मेरे ही पास था क्योंकि मैं तुम्हें आधा वुड क्रिस्टल नहीं दे सकता था, इसलिए अब तुम्हारा टोटल 5 वुड क्रिस्टल खर्च हो चुके हैं। ये सुनकर मैक्स इस बात पर एग्री करके मास्टर होंग के कमरे से चला जाता है। तभी हम जिजियान हेडक्वार्टर्स के हॉल में एक लेडी को देखते हैं जिसका उसका बॉडीगार्ड आकर कहता है कि मैक्स मास्टर होंग के रूम से बाहर आ गया है। तो ये सुनकर वो लेडी मैक्स के पास जाकर उससे बोलती है कि मेरा नाम ईसा डोना है और मैं HR अलायंस की स्पोक्स पर्सन हूँ, इसलिए आज मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ, तो क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर कॉफी पीते पीते बात करना पसंद करेंगे। ये सुनके मैक्स इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो दोनों एक रूम में आ जाते हैं जहाँ उस रूम की सिक्योरिटी के लिए ईसा डोना के गार्ड्स पहरा देने लगते हैं। तभी ईसा डोना मैक्स से पूछती है कि क्या मास्टर होंग को देने के बाद भी आपके पास वुड क्रिस्टल बचे हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो HR अलायंस उन वुड क्रिस्टल के लिए मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है। अब ये सुनकर बबाता कहने लगती है कि अगर कोई मार्केट प्राइस का 100 गुना प्राइस भी देने को तैयार हो फिर भी वो वैल्यू एक वुड क्रिस्टल की ओरिजिनल हाफ वैल्यू के बराबर भी नहीं होगी। ये सुनकर मैक्स बबाता से स्पिरिचुअल पावर के थ्रू कहने लगता है कि एक वुड क्रिस्टल की हेल्प से कोई 8th या 9th लेवल वाला प्रैक्टिशनर भी कुछ ही सेकंड्स में स्टार ट्रैवलर लेवल पर जा सकता है, इसलिए ये मुझे एक वुड क्रिस्टल के बदले इससे भी ज्यादा पैसे दे सकते हैं क्योंकि HR अलायंस के पास बहुत पैसा है। ये सुनकर बबाता मैक्स से बोलती है कि फिर भी वुड क्रिस्टल से वॉर गॉड लेवल के प्रैक्टिशनर का ब्रेक थ्रू करवाना तो वुड क्रिस्टल की बस बर्बादी है। उसी वक्त बबाता को कुछ याद आता है और वो मैक्स को बोलती है कि इनसे पूछो कि क्या इनके पास स्पेसशिप का कोई पार्ट है या नहीं। तो ये सुनकर मैक्स ईसा डोना से कहने लगता है कि एक स्टार ट्रैवलर लेवल के प्रैक्टिशनर को पैसे का लालच देना तो बेवकूफी है क्योंकि हर स्टार ट्रैवलर लेवल का बंदा बहुत अमीर होता है, पर मेरी कुछ हॉबीज है जैसे कि फिशिंग करना, एंशिएंट रुइंस को एक्सप्लोर करना और वहां से मिले सामान को जमा करना। ये सुनकर ईसा डोना समझ जाती है कि मैक्स क्या कहना चाह रहा है, इसलिए वो उससे कहती है कि हम आपको वो सभी चीज 3 दिन के अंदर लाकर दे देंगे। आगे मैक्स अपने घर आ जाता है जहां वो अपनी फैमिली वालों को वही ट्रेजर्स खाने के लिए देता है जो उसने मास्टर होंग से खरीदे थे। साथ ही वो बबाता को उसकी फैमिली वालों की फिजिकल फिटनेस चेक करने को कहता है, जिस पर बबाता उन सबको स्कैन करके बताती है कि इन सभी की फिजिकल स्ट्रेंथ लो लेवल के वॉरियर के बराबर हो गई है। ये सुनकर मैक्स का भाई हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उन सबकी बॉडी के अंदर भी वॉरियर्स जितनी कैपेबिलिटीज हैं। तभी मैक्स की मॉम उससे पूछती है कि तुमने हमें क्या खाने के लिए दिया था क्योंकि इससे हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, जिस पर मैक्स कहता है कि वो बस मामूली से सप्लीमेंट्स थे। इसके बाद मैक्स अपने फादर को चलने को कहता है तो उसके फादर लड़खड़ाकर खड़े होने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके लेग्स में इंजरी थी।
पर तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके लेग्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं, इसलिए वो खुशी के मारे बैक फ्लिप करने लगते हैं। तो ये देखकर मैक्स की मॉम और उसका भाई भी खुश हो जाते हैं। तभी मैक्स उन सबसे कहता है कि मैं आप सबको कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो सभी को अपने जेट में लेकर कहीं जाने लगता है। जहाँ जाते हुए मैक्स अपने फादर से कहता है कि उनकी आंट अभी भी जिंदा है। तो ये सुनकर उसके फादर को बिलीव ही नहीं होता, इसलिए वो मैक्स से पूछने लगते हैं कि क्या तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ग्रेट निर्वाणा के टाइम पर उनकी सभी फैमिली वाले मारे गए थे। तभी मैक्स उनसे कहता है कि हाँ, वो अभी भी जिंदा है और वो बे सिटी ऑफ जिंगडू में रहती है। मैंने ये बात आपको पहले इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं पहले आपके लेग्स ठीक करना चाहता था। ये सुनकर मैक्स के फादर बहुत खुश हो जाते हैं। उसी वक्त बबाता मैक्स से कहने लगती है कि तुम अपनी फैमिली को एक दूसरे से मिलवाने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि भले ही तुम्हारे पास मास्टर के ट्रेजर्स हैं, पर तुम्हारे हर सेकंड वेस्ट करने से तुम्हें पावरफुल बनने में बहुत टाइम लगेगा। इस पर मैक्स कहने लगता है कि जिस चीज से मेरी फैमिली खुश होगी मैं वो हर काम करूंगा, क्योंकि अगर मेरी फैमिली खुशी नहीं रही तो मैं स्ट्रॉन्ग बन के क्या करूंगा। तो इस पर बबाता कुछ भी नहीं कहती। उसी वक्त मैक्स को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जिसने मैक्स को बताया था कि वो आंट जिंदा है। अब वो दोस्त मैक्स को बताता है कि मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे फादर की आंट को हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर वो सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं और जल्दी से उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं। आगे वो सभी उस आंट से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहां आंट के रूम में पहले से ही एक लड़की बैठी हुई थी। तभी मैक्स के फादर अपनी आंट को देखकर उनसे कहने लगते हैं कि आंट, क्या मैं आपको याद हूँ। तो आंट कुछ देर तक मैक्स के फादर को देखने के बाद पहचान जाती है और वो मैक्स के फादर को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है और इसका नाम योंग जिंग है। ये सुनकर मैक्स के फादर बहुत खुश होने लगते हैं और अपने दोनों बेटों को भी आंट से मिलवाने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ वैंग शिंगान नाम का एक बंदा अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाता है और वो योंग जिन से कहने लगता है कि तुम कब तक अपनी बुढ़ी ग्रैंड मदर के पास बैठी रहोगी, मुझे तुम्हारे साथ जल्द से जल्द शादी करनी है। ये सुनकर योंग जिन गुस्से में शिंगान से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी ग्रैंड मदर इतनी बीमार है, तो अब तुम और क्या चाहते हो। इस तरफ मैक्स वैंग सरनेम सुनकर याद करने लगता है कि वैंग फैमिली के एक बंदे से वो हैंगशिया कंट्री में मिला था और जरूर ये उसका भाई होगा, क्योंकि इन दोनों की आदत एक जैसी है। इधर वैंग शिंगान योंग जिन के बालों को हाथ लगाते हुए बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो, मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनके योंग जिन एक नाइफ उठाते हुए शिंगान से बोलती है कि मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगी, और रही शादी की बात तो मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर शिंगान योंग जिन से नाइफ छीनते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली की कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने गलत तरीके से एक्वायर कर लिया है, साथ ही तुम्हारे टीचर का भी 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। ऊपर से जो सर्जन तुम्हारी ग्रैंड मदर का इलाज करने वाला था उसका भी किसी ने हाथ तोड़ दिया। ये सुनकर ग्रैंड मदर समझ जाती है कि जो भी उनके साथ हो रहा था वो शिंगान ही करवा रहा था। तभी मैक्स योंग जिंग को बचाने के लिए आगे आते हुए कहता है कि मेरा नाम मैक्स है और मैं इस लड़की का कजन हूँ। ये सुनकर शिंगान के चमचे मैक्स को घेर लेते हैं। तो ये देखकर योंग जिंग की ग्रैंड मदर मैक्स के लिए परेशान होने लगती है, पर मैक्स के फादर अपनी आंट को शांत कराते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैक्स सब कुछ संभाल लेगा। इधर शिंगान के चमचे मैक्स को पीटने के लिए आगे आने लगते हैं। तभी उनमें से एक चमचा सोचने लगता है कि मैक्स कल तो यहाँ पर नहीं था और आज भी इसकी सिटी से यहाँ की फ्लाइट आधे घंटे बाद पहुँचेगी, तो कहीं जो फाइटर जेट बाहर खड़ा था जिसके साथ हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे वो इसी का तो नहीं है। तभी एक दूसरे चमचे को मैक्स के बारे में याद आ जाता है, क्योंकि उसने मैक्स के इंस्पेक्टर बनने वाली सेरेमनी को टीवी पर देखा था, इसलिए वो ये बात शिंगान को भी बता देता है, जिस पर शिंगान कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, इसने वैंग फैमिली के एक लड़के से इस सिटी में पंगा लिया है, इसलिए ये जिंदा तो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता है। अब शिंगान अपने लोगों से मैक्स को पीटने को कहता है, तो उसका एक चमचा उसे कहता है कि मैक्स मुझे कोई आम बंदा नहीं लग रहा, हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। इस पे शिंगान बोलता है कि ये जिंगडू सिटी है और यहाँ बस मेरा राज चलता है, इसलिए तुम बस इसे मारो। तभी मैक्स उस आंट के बेड से थोड़ा दूर चला जाता है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी वक्त शिंगान का एक चमचा मैक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन मैक्स उसे बिना टच किए ही अपने स्पिरिचुअल पावर से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। ये देखकर शिंगान हैरान हो जाता है, साथ ही शिंगान के बाकी चमचे भी ये देखकर डर गए थे, पर फिर भी वो शिंगान के सामने कूल बनने के लिए मैक्स के चारों ओर तेजी से घूमने लगते हैं और अचानक से मैक्स के हाथ से जानबूझकर टकराकर दूर गिर जाते हैं, क्योंकि वो मैक्स से रियल में पिटना नहीं चाहते थे।
ये देखकर शिंगेन को समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ था। अब शिंगेन का एक ही चमचा बचा था, पर वो भी मैक्स की असलियत जानता था, इसलिए वो शिंगेन को दिखाने के लिए गुस्से में अपना नाइफ निकालने लगता है। तो ये देखकर शिंगेन पीछे हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ भयंकर फाइट होने वाली है। पर तभी वो चमचा अपने उस नाइफ को कवर में ही तोड़ देता है और उस टूटे हुए नाइफ से मैक्स पर अटैक करने का नाटक करते हुए मैक्स के पीछे वाली वॉल से टकरा जाता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैक्स ने बहुत स्पीड में उस बंदे का चाकू तोड़कर उसे पीछे फेंक दिया है। अब शिंगेन ये देखकर घबरा जाता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन वो जाते हुए भी मैक्स को धमकी दे रहा था। पर तभी उसे उसके भाई का कॉल आता है, जो शिंगेन से कहता है कि जिंगदू सिटी में आज मैक्स नाम का इंस्पेक्टर आया है, तो तुम उससे 10 किलोमीटर डिस्टेंस बनाकर रखना और उससे पंगा मत लेना। ये सुनकर शिंगेन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से चुपचाप भागने लगता है। उसी वक्त वहां पर उस सिटी की सिक्योरिटी आकर शिंगेन को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि किसी ने उन्हें शिंगेन के खिलाफ सबूत दे दिया था। इसके बाद सिक्योरिटी शिंगेन को वहां से ले जाती है। इधर मैक्स की मॉम उससे पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया। इस पर मैक्स कहता है कि जब शिंगेन अपने गुनाह को कन्फेस कर रहा था, तब मैंने उसकी बातें रिकॉर्ड करके अपने दोस्त को भेज दी थी, जो इसी सिटी में सिक्योरिटी हेड है, और वो यहाँ थोड़ी देर में आता ही होगा। उसी वक्त उनके रूम के बाहर बहुत सारे गार्ड्स किसी स्पेशल पर्सन के साथ आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो स्पेशल पर्सन कोई और नहीं बल्कि कमांडर है, जिनसे मैक्स उस आइलैंड पर मिला था। अब मैक्स कमांडर को देखकर उससे अकेले में बात करने के लिए चला जाता है, जहां कमांडर मैक्स को बताते हैं कि शिंगेन वैंग फैमिली का यंग मास्टर है, इसलिए उसका नेचर घमंडी और बदमाश वाला है। ऊपर से उसने कई लोगों की जान भी ली है, लेकिन तुम चिंता मत करना, कोर्ट उसे पनिशमेंट जरूर देगी। इसके बाद कमांडर मैक्स के सामने उनके पास के सभी एंशिएंट रिंग्स से लाए सामानों का होलोग्राम दिखाते हुए कहते हैं कि तुमने जैसा कहा था कि तुम वुड क्रिस्टल के बदले इन एंशिएंट रिंग्स के सामानों को बाय करना चाहते हो, तो तुम इनमें से कुछ भी ले सकते हो। तभी बबाता उन होलोग्राम को देखकर कहने लगती है कि ये सारा मलबा तो हमारे कोई खास काम नहीं आने वाला है और हम तो एक ही वुड क्रिस्टल में इससे ज्यादा मटेरियल खरीद सकते हैं। इस पर मैक्स बबाता से कहता है कि ये यूनिवर्स नहीं अर्थ है, इसलिए हमें यहाँ वुड क्रिस्टल की वो कीमत नहीं मिलेगी जो बाकी जगह मिलती है। ये सुनकर बबाता कहती है कि ठीक है, हम इन्हीं चीजों से काम चला लेंगे। इसके बाद बबाता मैक्स को उनमें से जो जो बाय करना है उनकी लिस्ट बता देती है। तो मैक्स कमांडर के सामने उन सभी लिस्ट को रख देता है, जिसको देखकर कमांडर कहने लगता है कि ये सारा मटेरियल एक वुड क्रिस्टल के बदले मिलना काफी मुश्किल है, जिस पर मैक्स उन्हें 2 वुड क्रिस्टल देने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर कमांडर भी इस डील के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद मैक्स बाहर आ जाता है, जहाँ बबाता मैक्स पर गुस्सा होते हुए कहने लगती है कि तुमने उसे 2 वुड क्रिस्टल देने का प्रॉमिस क्यों किया, वो सारा मलबे का प्राइस तो आधे वुड क्रिस्टल के प्राइस से भी कम है। ये सुनकर मैक्स कहता है कि ये मेरी कंट्री है, इसलिए अगर मैं अपनी सिटी की किसी तरह हेल्प कर सकता हूँ तो करूँगा। अब रात में मैक्स अपने जेट में आ जाता है, जहां वो बबाता से कहने लगता है कि मैंने फादर की उनके रिलेटिव से मिलने की विश भी पूरी कर दी और स्पेसशिप का मलबा ढूंढने का काम भी पूरा हो गया है, इसलिए अब मैं मास्टर का इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो बबाता खुश होकर कहती है कि हम जरूर इस यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बनेंगे, जिसके बाद वो मैक्स से कहने लगती है कि उन मलबों की लिस्ट को देखकर मुझे ये तो समझ आ गया है कि पिछले 10,000 सालों में एक से ज्यादा एलियन सिविलाइजेशन अर्थ पर आई थी, इसलिए मुझे डर है कि फ्यूचर में जरूर एलियंस अर्थ को टारगेट करेंगे। और बबाता के ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।